सिंधिया परिवार की राजमाता माधवी राजे सिंधिया को श्रद्धांजलि देने के लिए पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जयविलास पैलेस पहुंचे। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। ज्योतिराय सिंधिया भी इस दौरान काफी भावुक नजर आए। राजमाता माधवी राजे सिंधिया को श्रद्धांजलि देने के बाद शिवराज सिंधिया राजवंश की छतरी में होने वाले भजन संध्या में शामिल होने पहुंचे। राजमाता को श्रद्धांजलि देते हुए शिवराज ने उनकी सादगी को याद किया और कहा कि ज्योतिराय सिंधिया देश के एक सफलतम नेता हैं और देश के लिए वो श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। मैं स्वर्गीय राजमाता जी को श्रद्धा के सुमन माधवी राजे जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आया हूँ। उनकी सादगी, उनकी सहजता, उनकी सरलता, उनका स्नेह और बात्सल्य का ही परिणाम है कि श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक सफलतम राजनेता हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। आज वेद प्रकाश शर्मा जी के बड़े भाई साहब का स्वर्गवास हुआ है तो मैं वहां भी जाऊंगा, और प्रभात राय मूर्तिकार जिनसे कई मूर्तियां हम लोगों ने बनवाई थी वो नहीं रहे, मैं समझता हूँ कि बड़े कलाकार थे जिनका स्वर्गवास हुआ है, तो उनको भी मैं श्रद्धा के सुमन